हेलो एवरीवन, जो आज का हमारा जो टॉपिक है यूनिट 10 से यूनिट 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स से लिया गया है स्ट्रेंथ। ठीक है, ये स्ट्रेंथ जो है हमारा बेसिक कंपोनेंट है, फिजिकल फिटनेस का बेसिक कंपोनेंट है। इसका फर्स्ट कंपोनेंट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इट इज एबिलिटी टू एक्ट और टू ओवरकम द रेजिस्टेंस है। तो इसमें क्या है, हमारे जितने भी मसल्स हैं या ग्रुप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व होते हैं उनका जो मैक्सिमम एफर्ट्स है वो हमारी स्ट्रेंथ है। आगे जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ में डायनेमिक स्ट्रेंथ एंड स्टैटिक स्ट्रेंथ लेते हैं। टू टाइप्स की स्ट्रेंथ होती है। डायनेमिक स्ट्रेंथ आगे थ्री टाइप्स की होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। इसको डेवलप करने के जो हमारे थ्री मेथड्स हैं, मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ है आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ एंड आइसोटोनिक मेथड एंड आइसोकिनेटिक मेथड। अगे अपन डिस्कस कर रहे हैं हमारे टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ की। टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ में सबसे पहले हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जो हमारी स्टैटिक और डायनेमिक स्ट्रेंथ है। स्टैटिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, स्टैटिक स्ट्रेंथ है जो स्टेबल पोजीशन में होती है, जो जिसमें क्या है मसल्स की इन्वॉल्वमेंट विजिबल नहीं होती है। तो इसमें क्या था हमारा स्टैटिक स्ट्रेंथ में, यानी कि जो पुशिंग द वॉल है वो जो है इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है स्टैटिक स्ट्रेंथ की। इसमें मसल्स की लेंथ चेंज नहीं होती है, स्टैटिक स्ट्रेंथ है। आइसोमेट्रिक जो स्ट्रेंथ है वो हमारी स्टैटिक स्ट्रेंथ है। डायनेमिक स्ट्रेंथ है जो हमारी इसको हम आइसोटोनिक स्ट्रेंथ के नेम से भी जानते हैं। तो उसमें क्या है, हमारी जितनी भी मूवमेंट्स है जिसमें मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और हमें सारी एक्टिविटीज विजिबल होती हैं। तो इसमें जो हमारी डायनेमिक स्ट्रेंथ के आगे थ्री टाइप्स हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है। अब सबसे पहले हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। ठीक है, हम मैक्सिमम लेवल पे जो एक्टिविटी करनी है, इसमें हमारी जो एग्जांपल्स है जैसे वेट लिफ्टिंग है, पावर लिफ्टिंग जैसी एक्टिविटीज है, वो हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ में इंक्लूड होती है। दूसरी हमारी आगे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस विद स्पीड। जो हमारी स्पीड के साथ जिसका वर्कआउट होता है वो हमारी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में आती है, जैसे कि टेक ऑफ द लॉन्ग जंप, वॉलीबॉल में हम स्मैशिंग कर रहे हैं, तो वो हमारी इसकी एग्जांपल्स हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की। तीसरी टाइप की जो है हमारी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है, एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। जो जिसके हम लॉन्ग टाइम पे जो वर्कआउट करते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ और एंडोरेंस का कॉम्बिनेशन है, इसमें जो हमारी स्ट्रेंथ एंडोरेंस है इसकी जो एग्जांपल है वो रोड साइकिलिंग है या मैराथन रेस है, जो क्रॉस कंट्री है, ये सारी हमारी स्ट्रेंथ एंडोरेंस में इंक्लूड होती है। आगे जो हमारे हैं इनको डेवलप करने के मेथड्स क्या क्या हैं, थ्री मेथड्स हैं, आइसोमेट्रिक मेथड, आइसोटोनिक मेथड एंड आइसोकिनेटिक मेथड। आइसोमेट्रिक मेथड जो है हमारा, आइसोमेट्रिक जो आइसोमेट्रिक मेथड है उसमें क्या हमारा आइसोमेट्रिक जो टू वर्ड से मिलकर बना है, आइसो एंड मेट्रिक। आइसो मीन्स सेम एंड मेट्रिक मीन्स टेंशन ऑफ मसल्स है। तो इसमें क्या है, जो हमारे मसल्स हैं जो लेंथ है, मीटरिंग मीन्स लेंथ, जो हमारे मसल्स की लेंथ है वो सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आती है। तो ये क्या है हमारी इसमें एग्जांपल्स है, जैसे पुशिंग द वॉल्स है, ठीक है, लेग टू चेस्ट स्ट्रेस है, जो जूडो में कुछ जो एक्टिविटीज है जो कि हमारी इसकी आइसोमेट्रिक की एग्जाम्पल्स है। उसके बाद है हमारा दूसरा जो आ जाता है आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। आइसोटोनिक स्ट्रेंथ मीन्स आइसो मीन्स सेम है एंड टोनिक मीन्स टेंशन है, जैसे मसल्स में टेंशन का होना। तो इसमें क्या है, इस टाइप की जो मूवमेंट्स है इसमें क्या हमारे हमारी डायरेक्टली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे आइसोमेट्रिक में हमें विजिबल नहीं होती, तो आइसोटोनिक में हमें सारी एक्टिविटीज विजिबल होती है, जो भी हमारे मसल्स की एक्टिविटी, जिन मसल्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है। द लेंथ ऑफ मसल्स कैन बी सीन एंड कॉल्ड असेंट्रिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंसेंट्रिंग कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली। इसकी टू टाइप्स होती है, सेंट्रिक एंड कंसेंट्रिक कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इसमें मसल्स की जो लेंथ है वो चेंज होती है आइसोटोनिक में है। तो जैसे कि हम जो है इसकी एग्जांपल्स है, हम जो थ्रोज हैं जितनी भी इसमें, जहां जो है जंपिंग ऑन द स्पॉट है, जो वेट ट्रेनिंग है, ये सारी एक्टिविटीज आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस में इंक्लूड होती है। ये विद इक्विपमेंट और विदाउट इक्विपमेंट दोनों तरह से हो सकती है। लास्ट जो हमारी है
आइसोकिनेटिक एक्सरसाइजेस हैं। आइसोकिनेटिक एक्सरसाइजेस जो आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक का कॉम्बिनेशन है, ये विद इक्विपमेंट्स हैं। जो 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 आइसोकिनेटिक मेथड है वो विद इक्विपमेंट है, जैसे कि जिम की जितनी भी जो है एक्सरसाइजेस है वो आइसोकिनेटिक एक्सरसाइजेस में इंक्लूड होती है। थैंक यू।